सेंसर बोर्ड के लोगों का सिर्फ आजकल एक ही काम है कि भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसरों के साथ सौतेला व्यवहार करो। देखे वैया इतना खूबसूरत फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया, उसके बावजूद भी फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार आखिरकार सेंसर बोर्ड क्यों कर रहा है? तुमको पता नहीं है ये औरत शमशान घाट पे नहीं आती है, ना ही अंतिम संस्कार करवाती है। माही श्रीवास्तव और बॉलीवुड के बड़ा कलाकार यानी कि दया शंकर पांडे पहली बार भोजपुरी में कुछ रियलिस्टिक यानी कि यूं कहें महिलाओं पर जो घटना घटी थी, जी हां महिला के ऊपर जो घटना घटी थी उसको लेकर भोजपुरी में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर फिल्म बनाई गई जया, जी हां जिसका ट्रेलर भी जारी किया गया था, लेकिन स्क्रीनिंग होने के बावजूद भी आखिरकार सेंसर बोर्ड ने मनमानी कर रखा है कि भैया भोजपुरी के लोगों को सर्टिफिकेट देने में अटकाओ। आखिरकार कारण क्या है? जी हां आपको पता है कि जया का रिलीज डेट अनाउंस किया गया था, 9 फरवरी को रिलीज डेट अनाउंस कर दिया गया था, जिसके लिए प्रोड्यूसर ने जमकर पैसा भी बहा दिया था, और उसके बावजूद भी अभी तक जहां तक मुझे पता चल पाया है कि अभी तक फिल्म का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। आखिरकार ऐसा क्यों है? अगर फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि पहले स्क्रीनिंग के लिए भेजी जाती है, तो जनवरी के महीने में स्क्रीनिंग गई होगी, उसके बाद सर्टिफिकेट अभी तक क्यों नहीं दिया गया है, यानी कि पिछले जो 9 फरवरी से सर्टिफिकेट पहले क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल खड़ा होता है। क्या वाकई में ही सेंसर बोर्ड का ये दोगलापन ना कहा जाए तो क्या है? आखिरकार भोजपुरी के प्रोड्यूसरों को मारने की साजिश क्यों किया जा रहा है? क्या वाकई में ही इसलिए किया जा रहा है कि भोजपुरी के जो प्रोड्यूसर है आजकल रियलिस्टिक फिल्में बनाने लगे हैं, यानी कि यूं कहें तो चोली घघरा जो भोजपुरी पर एक अश्लीलता का आरोप लगता था कि भोजपुरी में ऐसी फिल्में बनती है वैसी फिल्में बनती है, एक मनगढ़ंत जो कहानियां जो लोगों को लगता था सेंसर बोर्डों को लगता था कि बिना देखे ही किसी फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे दो, पहले बहुत जोर से प्रचलन था, लेकिन आजकल लॉकडाउन के बाद से देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड जो कंपनी है वो जो फिल्में बना रही है वो सब रियलिस्टिक स्टोरी होते हैं, यूं कहें तो स्टोरी पे काम होता है, प्रॉपर डिजाइन किया जाता है कि किस तरीके से फिल्म बननी चाहिए, किस तरीके से कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कैमरा एंगल, मतलब यूं कहें तो हर चीजों को बारीकी से फिल्म को बनाने का काम करती है। और ऐसे में जब रियलिस्टिक अच्छी फिल्में बनती है तो सेंसर बोर्ड का आजकल ड्रामा चल गया है कि भैया इसको सेंसर में रोक दो, यानी कि कहीं ना कहीं इसको परेशान करो ताकि जो प्रोड्यूसर या फिर जो फाइनेंसर इस फिल्म में पैसा लगाया है, कहीं से पैसा ब्याज से उठाया है, तो उसका भाई बोझ बने और बोझ करते करते वो दब जाए और वो फिल्में छोड़ के भाग जाए। कहीं ना कहीं ये सेंसर बोर्ड के दिमाग में तो नहीं चल रहा है। आखिरकार कारण क्या है? ये सवाल सेंसर बोर्ड पे खड़ा हो रहा है। क्या वाकई में ही ये भी है कि सेंसर बोर्ड के पास वो मैन पावर नहीं है, या फिर वो चीजें फिल्मों को फाइंड करने वाले जो होते हैं कि रियलिस्टिक स्टोरी को सर्टिफिकेट क्या दे, क्या ये महिलाओं के ऊपर जो फिल्म बन रही है उसको लेकर उनके पास अकल नहीं है, या फिर यूं कहिए तो दिमाग नहीं है कि फिल्म को देख के यूए सर्टिफिकेट देना है कि यूए देना है कि ये देना है, उन्हें समझ में ही नहीं आ रही है, आखिरकार इतना लेट क्यों चल रहा है? तो मुझे लग रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं ये जो सेंसर बोर्ड का जो दोगलापन है ना वो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा घातक हो सकता है। इससे प्रोड्यूसर मरेंगे, जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर पैसा लेके आता है, फिल्में बनाता है और रिलीज डेट अनाउंस होता है, पहले पब्लिसिटी का पैसा बर्बाद चला गया, अब रिलीजिंग डेट बर्बाद हो चुका है, अब दूसरी बार देगा तो अगला फिर प्रोड्यूसर अगर पैसा लगाता है तो फिर बेचारे का डबल नुकसान होता है। और ऐसे में सेंसर बोर्ड को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर स्क्रीनिंग में फिल्म गई है तो भाई दे दो। आखिरकार कारण क्या है? क्या लग रहा है कि सेंसर बोर्ड जानबूझ के भोजपुरी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है या फिर कुछ और कारण है? फिलहाल आपको बता देता हूं कि जया, जी हां बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत, इसमें दया शंकर और माही श्रीवास्तव का जबरदस्त कम्युनिकेशन, यूं कहें बाप बेटी की जोड़ी वाले, और जो एक महिला का किरदार जो ट्रेलर में दिखाया गया है वो रियल स्टोरी है, यूं कहें तो जिस तरीके से माही श्रीवास्तव ने काशी के घाट पे जो लाशों के साथ उन्होंने शूट किया, जलाते हुए जो शॉट शूट किया गया वो रियलिस्टिक है, यानी कि प्रॉपर वो शूट किया गया है, और जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है फिल्म को, वाकई में ही ये नेशनल विनिंग फिल्म होनी चाहिए।
मिले अवार्ड या फिर ना मिले ये बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से ट्रेलर डिजाइन किया गया है वाकई में ही नेशनल लेवल की फिल्म बनाई गई है। फिलहाल देखना होगा कि सेंसर बोर्ड का ये जो सौतेला व्यवहार कब खत्म होता है, कब सर्टिफिकेट मिलता है, यह तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सेंसर बोर्ड से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भोजपुरी की फिल्मों को जिंदा करने के लिए प्रोड्यूसर जम के मेहनत कर रहे हैं, जम के स्टोरी लाइन पे चेंज कर रहे हैं, फिल्मों का कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, लेकिन आपका रवैया चेंज नहीं हो रहा है। फिलहाल आप चेंज करिए और भोजपुरी फिल्मों को सपोर्ट करिए। फिलहाल कुछ कहना इस वीडियो के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।